हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमको गिवन क्या है, हमको हमारा प्रॉब्लम का क्या रहा है सॉल्व करने के लिए। तो हमको एक BST गिवन है, फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट स्मॉलर देन और इक्वल टू kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें हमको ये कह रहा है कि आपको सम निकालना है कौन एलिमेंट के, के जो है ना, के स्मॉलेस्ट एलिमेंट का सम आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल में देखें तो ये हमारा BST हमको गिवन है। ठीक है, और इसमें के स्मॉलेस्ट मतलब के का वैल्यू अगर 3 है तो 3 स्मॉलेस्ट एलिमेंट का हमको सम फाइंड आउट करके बताना है। और अगर के इक्वल्स टू 1 हुआ तो इसका ये मतलब हुआ कि पहला स्मॉलेस्ट एलिमेंट का हमको सम बताना है। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखें तो के का वैल्यू 2 है, मतलब 2 स्मॉलेस्ट एलिमेंट का हमको सम बताना है इस BST में। तो पहला स्मॉलेस्ट 4 हुआ, दूसरा स्मॉलेस्ट 5 हुआ, इस दोनों का सम 9 हुआ। और यहाँ पे अगर हम देखें के का वैल्यू 3 है तो 3 स्मॉलेस्ट क्या हुआ, अगर हम इसको इसका इनऑर्डर ट्रेवर्सल निकालें ना तो 4 8 10 पहले आएगा। ठीक है ना, तो अगर इस तीनों का सम हम करते हैं तो 22 आता है और हमारा आउटपुट भी वही है। तो आइए इसको हम कोड करते हैं। तो हमको पता है कि अगर हमको BST का एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर हम इसका इनऑर्डर ट्रेवर्सल निकालेंगे ना तो ये हमेशा क्या रहेगा, इस सॉर्टेड ऑर्डर में हमको, और हमको उसी सॉर्टेड ऑर्डर से ही फायदा है। क्या फ़ायदा है, हमको पता है सॉर्टेड ऑर्डर में जो हमारा डेटा रहेगा ना, तो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है ना वो बिगनिंग में होगा। राइट, तो इस चीज़ के लिए हम कुछ नहीं, सबसे पहले एक हम इंट रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाए और इसका इनिशियल वैल्यू है 0। उसके बाद हम एक फंक्शन कॉल करते हैं फन, जो बेसिकली क्या करेगा, हमको ये रिटर्न करके देगा कि हमारा व्हाट आई कॉल हमारा के स्मॉलेस्ट एलिमेंट का सम क्या है। ठीक है, तो कुछ नहीं, हम उसके लिए एक वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर ऑफ इंट ए। हम इस वेक्टर में क्या स्टोर करेंगे, इस वेक्टर में हम सिंपली, अगर हम यहाँ पे इसका एड्रेस नहीं भी भेजे ना तो कुछ नहीं प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे ए पास करते हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं, हम कंडीशन चेक करते हैं कि यदि ए डॉट साइज, हमारे वेक्टर का साइज 0 है तो उस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए हम कुछ नहीं, लूप चलाएंगे फॉर इंट ISIN 0 आई शुड बी लेस देन ए डॉट साइज i++, और इसमें हम कुछ नहीं, इसमें हम रिजल्ट असाइन रिजल्ट प्लस ए ऑफ i, ये हो जाने के बाद हम सिंपली रिटर्न कर देंगे रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, आइए अब हम इस फंक्शन को करते हैं डिफाइन। हमारा ये फंक्शन क्या करेगा, इसमें हम बस एक कंडीशन लिखेंगे void fun। ये फंक्शन क्या क्या रिसीव कर रहा है आर्ग्यूमेंट में, एक तो हमारा बाइनरी सर्च ट्री के रूट का डेटा, ठीक है, तो उसको हम पॉइंटर में स्टोर किए। ठीक है, दूसरा आर्ग्यूमेंट है के, तो इंट के, और तीसरा हमारा जा रहा है इसमें वेक्टर का एड्रेस हम पास कर रहे हैं। राइट, उसको हम कॉल बाय रेफरेंस इसमें स्टोर करा लिए इस वेक्टर में, और हम कुछ नहीं, हम अपना इनऑर्डर ट्रेवर्सल का कोड लिखेंगे कि यदि रूट नल हो गया, इसका मतलब क्या, एक भी नोड नहीं है, ये बेस केस है हमारा। ठीक है, तो इस केस में हम रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, एक और केस है कि यदि ए डॉट साइज, अगर हमारे इंसर्शन करने के बाद वेक्टर का साइज के इक्वल आ गया है ना भाई, तब तो आप उस केस में कुछ नहीं, रिटर्न हो जाओ। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम इस काम को लेफ्ट सब ट्री के लिए भी कॉल करा देंगे, इस फंक्शन को के भी पास करेंगे, पास करेंगे और हमारे वेक्टर में हम डेटा को पुश कर देंगे, ए डॉट पुश बैक रूट का डेटा। ठीक है, फिर
फिर हम इसी फंक्शन को कॉल करा देंगे राइट सब ट्री करिए, तो लिखेंगे रूट का राइट के और ए। फाइनली ये हमारा रिटर्न कब कब चलेगा, मान लीजिए अगर हमारे वेक्टर का साइज हो गया के इक्वल तब चलेगा रिटर्न, नहीं तो मान लीजिए अगर हमारा ट्री में एक भी नोड नहीं है तो ये हम उस केस में रिटर्न हो जाएगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, ये इसको रन करके देखते हैं, हो गया हमारा कोड कंप्लीट। लेट्स सी कुछ फटता भी है। ओके, कुछ तो एरर आ गया है। अगर ए डॉट पुश बैक, ओके तो अगर हम यहाँ पे इसको सिंपली के टाइम से चलाएंगे तो क्या हमारा काम होता है, लेट्स सी। ओके, बट हम यहाँ पे ये कंडीशन लगाए ना, जब ए डॉट साइज के इक्वल हो गया ना तो उस केस में हमको रिटर्न हो जाना है, ठीक है ना। तो वेट अ वाइल, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कोड फटेगा भी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ पे सिंपली सी आउट करवाते हैं, हमारा वेक्टर का साइज चेक करना है हमको, ठीक है क्या है। और अभी हम इस कोड को यहाँ से लेके, एक मिनट, हम यहाँ से लेके यहाँ तक कमेंट कर देते हैं, ऐसे एरर आएगा बट लेट्स सी। ठीक है, 713 ये कुछ रैंडम आ रहा है। ठीक है, हम अभी एक काम करते हैं, रिटर्न कुछ नहीं, हम जीरो रिटर्न करते हैं पहले। ठीक है, हम ये भी कंडीशन नहीं लगाएंगे, सिंपली रिटर्न जीरो करवाएंगे, किसके बाद, ए डॉट साइज प्रिंट कराने के बाद। ठीक है, तो हमको देखना कि हमारा प्रिंट क्या हो रहा है, हमारे वेक्टर का साइज, तो वेक्टर का साइज 7 आ रहा है। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7, तो पूरा इंसर्शन क्यों हो रहा है हमारा। ओके, अच्छा, ओके, हमको समझ में आ गया कि हमारा प्रॉब्लम आया कहाँ पे है। हम इस कंडीशन को ना यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, और इसके बाद पेस्ट करते हैं। ठीक है, सो अब हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, इस कमेंट को, और यहाँ से भी हमारे इस कमेंट को रिमूव करते हैं, और इसमें हम और स्लाइड सा मॉडिफिकेशन करते हैं, हमको वेक्टर का साइज चेक करने का नीड भी नहीं है। ठीक है, और हमको इस रिटर्न जीरो का भी नीड नहीं है, हम सिंपली एक फॉर लूप चला के ये काम हम अपना कर सकते हैं। ठीक है ना, ये एल्स भी हमको नहीं चाहिए। ठीक, ये फॉर का काम कंप्लीट था हमारा, आई प्लस प्लस, और रिजल्ट में असाइन करवा दिए हम ए डॉट रिजल्ट असाइन रिजल्ट प्लस वेक्टर ऑफ ए ऑफ आई, यहाँ पे हम सिंपली इसको ए डॉट साइज टाइम चलाएंगे। ठीक है ना, लेट्स सी हमारा कंपाइल तो सही से हुआ, सबमिट होता है कि नहीं हम देखते हैं। ऐसे हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। तो हमको हमेशा ये याद रखना है कि हमारा रिकर्सिव कोड वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो अगर आप इसका रिकर्सन ट्री बनाते ना, तो अभी जो हम थोड़ी देर पहले गलती किए, इसको यहाँ पे पेस्ट करके, यहाँ पे हमको पेस्ट ना करके इसको हमको रिकर्सन के व्हाट आई कॉल
वर्क जहाँ कर रहे हैं ना, वहाँ पे ये कंडीशन हमको चेक लगाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम उस टाइम नहीं लगाए थे ना, तो हमारे फैक्टर में क्या हो रहा था, सारा जितना एलिमेंट है ना वो सारा स्टोर हो जा रहा था, जो कि हमको नहीं करवाना है। तो उम्मीद है आपको इसको वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।